बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केलेटन बोन के बेसिक बायोमैकेनिक्स और हिस्ट्री जानने के बाद हम उसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे और उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या आया है, स्पाइनल मूवमेंट्स। क्योंकि स्केलेटन बोन हमारे कोर्स एरिया में ज़्यादातर स्पाइन एरिया को कंसीडर करता है, तो हम इसमें जितनी भी स्टडी करेंगे वो स्पाइनल मूवमेंट या स्पाइन एरिया को ही लेके करेंगे। स्पाइनल मूवमेंट की अब जब हम हम कोर्स में देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की स्पाइनल मूवमेंट्स आती है, एक जनरल नॉन स्पाइनल मूवमेंट्स, दूसरी स्पेसिफिक स्पाइनल मूवमेंट्स। जनरलाइज्ड स्पाइनल मूवमेंट ऐसी स्पाइनल मूवमेंट है जो मूवमेंट के दौरान पूरी स्पाइन जो होती है या ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेज जो है उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। लाइक अगर हम फ्लेक्जन को ले लें या एक्सटेंशन को ले लें या लेटरल मूवमेंट को देख लें, तो इसमें क्या हो रही है, पूरी स्पाइन जो है वो मूव कर रही है। इसकी एग्जाम्पल में फ्लेक्जन, एक्सटेंशन ये वगैरह हो रही है। जो स्पेसिफिक स्पाइनल मूवमेंट्स हैं इनको सेगमेंटल मूवमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंटल मूवमेंट्स। ये जो सेगमेंटल मूवमेंट्स हैं ये पैसिवली करवाई जाती हैं, एक्टिवली ये परफॉर्म नहीं हो सकती। जो जनरलाइज है ये एक्टिवली परफॉर्म हो सकती हैं और ये होल स्पाइन को क्रिएट इन्वॉल्व कर रही होती हैं, और ये पैसिवली हो रही होती हैं और ये सेगमेंट पे होती हैं। इनको सेगमेंटल जॉइंट, और इसमें ज़्यादातर हमारे पास ग्लाइड्स आ रही होती हैं और ये ग्लाइड्स इन्वोलेंट्री करवाई जाती हैं। इन्वोलेंट्री ये और किसी पर्सन के थ्रू, अदर फिजियोथेरापिस्ट के थ्रू ये करवाई जाती है। अगला टॉपिक हूँ